राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नए भवन का शुभारंभ किया है, गायत्री मंत्र जंग के साथ शुभारंभ हुआ है। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के नए भवन का शुभारंभ हो चुका है, भरतपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो भरतपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर पहुंचे हैं और साथ ही साथ नए भवन का शुभारंभ कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर है, तस्वीरें आप देखिए, गायत्री मंत्र के साथ शुभारंभ किया गया है। पूर्व सीएम राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी जेपी नड्डा के साथ उपस्थित रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। तो बीजेपी के नए भवन का शुभारंभ हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर पहुंच चुके हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। तो भरतपुर पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा, गायत्री मंत्र के साथ शुभारंभ किया गया है। और जेपी नड्डा का ये दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहा है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनज़र शीर्ष नेतृत्व लगातार रुख कर रहा है राजस्थान का। और ऐसे में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं, नए भवन का शुभारंभ किया है, अब जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। भारी हुजूम जेपी नड्डा को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, तस्वीरें आप देखिए, गायत्री मंत्र के साथ शुभारंभ हुआ है। इस वक्त की अहम खबर, पूर्व सीएम राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे हैं। समरता राजीव भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से भरतपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और साथ ही साथ भवन का शुभारंभ कर दिया गया है, मौजूदा स्थिति में वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, ये लोकसभा स्तर पर जगह हर लोकसभा में ये पहुंच रहे हैं जो बीजेपी के नेता, आगामी चुनावों को देखते हुए। तो आज नड्डा जी का यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा, उनका यहाँ भरतपुर का प्रोग्राम था। यहाँ उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय जो नवनिर्मित हुआ है, अभी बना है, उसका उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने जो बाड़मेर और जैसलमेर के जो नवनिर्मित कार्यालय हैं उनका भी यहाँ से वर्चुअली उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को, जिले भर के कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया था, उनसे वार्ता कर रहे हैं और उसके लंच करेंगे यहीं जेपी नड्डा। और उसके बाद यहाँ भरतपुर में एक अपना घर आश्रम है जो गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा के लिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। वहाँ उनके जो अध्यक्ष हैं उनके डॉक्टर भारद्वाज, उनसे भी संपर्क करने के लिए वहाँ मिलने जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर से सीधे नदवई विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ एक सभा को संबोधित करना है। तो पूरा एक बिजी शेड्यूल था उनका, उसके तहत ये कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। अभी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है, चुनावी मंत्र दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो पब्लिक के हित की हैं, उन सबको घर घर तक कैसे पहुँचाएं, कैसे आगे विधानसभा चुनावों में काम करना है, कैसे बूथ लेवल तक को मजबूत करना है, और उसके अलावा तमाम आगे की जो रणनीति है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, उनको देखते हुए ये जो दौरा है अहम माना जा रहा है। और बड़ा जोश है, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, काफी जोश है। और उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, पूर्व राजस्थान प्रभारी जो अरुण सिंह हैं, संगठन मंत्री चंद्रशेखर हैं, उसके अलावा तमाम जो नेता हैं, सीपी जोशी जो अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तमाम नेता यहाँ पर, पूर्व अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं सतीश पूनिया, तो तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और सब